नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र साहू स्वागत करता हूं आपको अपना यूट्यूब चैनल हेयर एंड केयर वीविंग पॉइंट रायपुर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हेयर वीग और हेयर पैच पहनने का क्या एडवांटेज है। हेयर पैच और हेयर वीग अलग अलग होता है। फुल वीग अगर जिसके सिर में एक भी बाल नहीं होता है वहां पर हम फुल वीग का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपके साइड के बाल अच्छे हैं, सेंटर का बाल आपका कम हो चुका है, आप वहां पर हेयर पैच का इस्तेमाल कर सकते हैं। हेयर पैच पहनने का फायदा ये होता है, अगर आपका स्टाइल नहीं बन पा रहा, ओरिजिनल हेयर स्टाइल आप आसानी से पा सकते हैं, जैसे स्टाइल चाहेंगे आप उसके अंदर बना सकते हैं। कहीं से भी इसका किसी तरह से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, ये नॉन सर्जिकल होता है। तो अगर आप हेयर पैच पहनना चाहते हैं बिल्कुल आप आराम से पहन सकते हैं, इसमें किसी तरह से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। दोस्तों अगर आपके बाल झड़ चुके हैं जिसमें सिर्फ आपको एक घंटे का समय देना पड़ता है, एक घंटे में हम लोग हेयर पैच लगा सकते हैं। अगर आपको कॉन्फिडेंस वीक हो चुका है आप वहां पर आराम से हेयर पैच इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं भी अगर आप होता है, जनरली क्या है कि हम देखते हैं कि हेयर फॉल हो जाने की वजह से हमारा जो उम्र है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है। जैसे कि जनरली कोई व्यक्ति अगर 30 साल का है तो बाल झड़ने की वजह से वह 40 साल का दिखने लगता है। तो यहाँ पर अगर आप हेयर पैच का इस्तेमाल करते हैं या हेयर विक का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने कम ओरिजिनल एज में आप रहते हैं और आपका कॉन्फिडेंस बरकरार रहता है। तो इस तरह से आप आराम से हेयर पैच और हेयर विक का फ़ायदा ले सकते हैं।